हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सीखे द वे टू सक्सेस। कैसे आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टेडियम बताए थे इंडिया के, स्टैटिक जीके का जो सेशन कराया था। अगर जिसने वो वाला सेशन की वीडियो मेरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स। ठीक है गाइस, तो अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है, ये जो सेशन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है ना, जैसे कि इसको रामसर साइट्स भी कहते हैं और वर्ल्ड GI टैग हेरिटेज साइट भी कहते हैं। अब जो मेनली हमारे इंडिया में हेरिटेज साइट्स हैं वो पहले 37 थी, लेकिन अब जो है वो टोटल 41 है। ठीक है गाइस, तो मेनली मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, या तो वो पूछ लेगा कि जो कोई भी फेमस जगह के बारे में पूछ लेगा जो कि यूनेस्को ने हेरिटेज साइट कर रखी है, हेरिटेज यूनेस्को साइट है, और उसका नाम पूछ लेगा और पूछ लेगा कि कौन से स्टेट में है, या फिर उसका खास नाम पूछ लेगा, या किसी खासियत के थ्रू, जैसे उसकी कोई खासियत हो उस हिसाब से पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। तो ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स का सेशन। आइए तो देखिए, पहला हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है जो स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कौन सा है आपका गाइस, इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट ये कहाँ पर है आपका, सबको पता यार, ये तो है आपका दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब मेन बात इसकी है कि इट वाज बिल्ट बाय एडविन न्यूटन। जो ये बनाया गया था, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता, वो आर्किटेक्ट थे जो ब्रिटिश के होके, उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, तो इंडिया गेट जब बनाया था किसने, वो बनाया आपके एडविन न्यूटन्स ने। उस समय ईयर कौन सा था, 1921 में बनाया गया। कब बनाया, 1921 में आपका इंडिया गेट। और इंडिया गेट वो मेमोरियल है जो कि बहुत स्पेशल है, मतलब जो भी हमारे सोल्जर्स हैं जो अपने ब्रेवरी दिखाते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो वॉर मेमोरियल होता है इंडिया गेट, उसके लिए ये है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके नाम वहाँ पे, जो उसका रोक बना हुआ है ना इंडिया गेट का, उस पर उनके नाम लिखे जाते हैं वॉर मेमोरियल के रूप में। हम इंडिया गेट को मेमोरियल को याद करते हैं कि इंडिया गेट, ठीक है ना, वॉर मेमोरियल स्पेशल है इंडिया गेट। और इट वॉज बिल्ड बाय एडविन न्यूटन्स, ठीक है गाइस, 1921 में। और आपको पता है जो पार्लियामेंट है ना आपकी, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो किसने बनाई है, बताइए जो पार्लियामेंट है वो किसने बनाई है गाइस, वो भी जो पार्लियामेंट है वो भी आपकी डिज़ाइन करी है एडविन न्यूटन्स ने। ठीक है गाइस, किसने, एडविन न्यूटन्स ने करी है। और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था करना, 1921 से, लेकिन बना के कब दी, 1927 जनवरी में आपकी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे इसका इनोग्रेशन कर दिया था 1927 में, जो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है गाइस, किसने बनाई है, वो भी एडविन न्यूटन्स ने, 1921 में स्टार्ट हुआ, 1927 में आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं हमारे पास जो सेकंड कौन सा मॉन्यूमेंट है। अब जो सेकंड है हमारे पास वो है यहाँ पे आपका जामा मस्जिद गाइस। ठीक है, जो कि कहाँ पर है आपका, ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है गाइस, और जामा मस्जिद का क्या है, इट वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ, ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। कब स्टार्ट हुई थी बनना, 1646 से, और बनी कब, 1658, मतलब कि 12 साल लग गए थे बनने में उस समय जामा मस्जिद को, जो कि दिल्ली में। ठीक है, और देखा जाए ये लार्जेस्ट मोस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब कि इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है और जो इसका एरिया, मतलब कि लार्जेस्ट मोस्क है, ठीक है ना, एशिया की और इंडिया की भी। ठीक है ना, कौन सी आपकी, जामा मस्जिद। ठीक है, और 1646 में स्टार्ट हुआ था और 1658 तक बनी आपकी, और किसने बनवाई थी आपकी, शाहजहाँ ने। ठीक है गाइस, चलिए थर्ड मोनूमेंट है आपका रेड फोर्ट। ठीक है गाइस, लाल किला जो आपको पता ही है कहाँ पर है, आपको पता है तो दिल्ली में ही है। ठीक है, और जो लास्ट शासक थे जिसने इस पे राज किया था रेड फोर्ट में, जो वो रहते थे वो थे बहादुर शाह जफर खान। ठीक है, जो कि दिल्ली के राजा भी तख्त पर ही बैठे थे एक दिन के लिए से। ठीक है, रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, और ये भी शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया है गाइस, आपको पता ही होगा शाहजहाँ ने ही बनवाया था। कब,
ये बनाया था आपका 1648 में बनाया, 1648 में बनाया गया था रेड फोर्ट, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के, इम्पीरियल शाहजहाँ 1648 में। ठीक है गाइस, देख लीजिए, तो ये हो गया इंडिया गेट, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों वो हमारे पास कौन सी मोनूमेंट्स है, देखिए फोर्थ है हमारा हुमायूं टॉम। क्या है? हुमायूं टॉम। ठीक है, जो कि बिल्ट बाय वाइफ ऑफ हुमायूं, हमीदा बानू बेगम, जो कि आपकी हमीदा बानू बेगम है, हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बानू बेगम, उनके द्वारा बनाया गया था। और गाइस हुमायूं टॉम भी कहाँ पर है आपका? दिल्ली में है गाइस। कहाँ पर है आपका? दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ आपका चोला टेम्पल्स। क्या है? चोला टेम्पल्स। और 1987 यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड द टेम्पल एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 1987 में जो यूनेस्को है उसने इस चोला टेम्पल को आपका घोषित कर दिया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है गाइस, या फिर हम राम विजिट साइट कहते हैं जिसे। ठीक है ना, कौन सा? चोला टेम्पल्स। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोलकोंडा फोर्ट। कौन सा? गोलकोंडा फोर्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। गाइज ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। इट डेट्स बैक टू द 13th century और ये 13th century में बना गया था। ठीक है, 13th century में इसको बनाया गया था, इसको गोलकोंडा फोर्ट को। ठीक है गाइज, और कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में, देख लीजिए। ठीक है गाइज, चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है, देखिए जंतर मंतर। ठीक है गाइज, जंतर मंतर है। ठीक है, जो कि है आपका जयपुर में। ठीक है गाइस, जयपुर में। इट वॉज बिल्ड इन 1734 बाय महाराजा जय सिंह सेकंड। मतलब ये बनाया गया था 1734 में। क्या? जंतर मंतर, जो कि जयपुर में, किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह सेकंड। ठीक है, उनके द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। लोटस टेम्पल गाइस, लोटस टेम्पल। ठीक है, जो कि आपका है दिल्ली में। सबको पता गाइस कि लोटस टेम्पल आपका कहाँ है? दिल्ली में। ऑल्सो नोन एज भाई हाउस ऑफ वर्शिप। ये भाई हाउस ऑफ वर्शिप भी कहा जाता है, पूजा करने का घर कहा जाता है भाई हाउस ऑफ वर्शिप का। ठीक है, जो कि लोटस टेम्पल है दिल्ली में। ठीक है गाइस, आपका ये आपका है कालकाजी मंदिर है ना, जो दिल्ली में, उसके बस जस्ट 200-300 meters की साइड पर है लोटस टेम्पल। ठीक है गाइस, दिल्ली में, जो कि ग्रेटर क्लास में। ठीक है गाइस, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास महाबोधि टेम्पल। कौन सा? महाबोधि टेम्पल गाइस। ये जो आपका, ये आपका गया, जो कि बिहार है। ठीक है, गया में महाबोधि टेम्पल। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2002। मतलब कि जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, कौन से ईयर में? 2002 में, महाबोधि टेम्पल, जो कि गया में। ठीक है गाइस, चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चा वो हमारे पास कौन सी मॉन्यूमेंट साइट है, देखिए फतेहपुर सीकरी फोर्ट। ठीक है गाइस, क्या है? फतेहपुर सीकरी फोर्ट, जो कि आपका कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, इट वाज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इम्पीरियल अकबर। मतलब कि जो भी वो अपने पॉलिटिकल रिलेशन, जो भी उसके जितने भी मैटर्स होते थे और पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज होते थे अकबर के, वो इसी फतेहपुर सीकरी फोर्ट में आके ही सॉल्व करता था, मतलब जो भी उसके काम होते थे। ठीक है, जितने पॉलिटिकल से रिलेटेड, क्योंकि कह रहा है पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इम्पीरियल, राजधानी रही है उसकी पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल राजधानी रही है किसकी? अकबर की। क्या? फतेहपुर सीकरी फोर्ट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है सीएसटी मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गाइस। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में आपका, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन। ठीक है, वाज डिजाइन बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। और फ्रेडरिक नाम आपको याद रह जाएगा, क्योंकि जो आप सीआईडी देखते होंगे, आपने कभी ना कभी सीआईडी देखा होगा, उसमें जो एक सब इंस्पेक्टर ऑफिसर है ना फ्रेडरिक, जो थोड़ा बहुत हंसाता रहता है और ऐसे ऐसे हरकत करता है, थोड़ी हंसी मजाक की भूत ये वो ऐसे ऐसी वाली, उसका नाम फ्रेडरिक है, तो आप ये नाम नहीं भूलेंगे। क्या है? वाज डिजाइन बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। ठीक है, सीएसटी मुंबई। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया यूनेस्को ने इसको? 2004 में, जुलाई 2004 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं गोल गुंबद। इट वॉज बिल्ड इन द 1656 बाय मोहम्मद आदिल शाह। जो मोहम्मद आदिल शाह था, उसने 1656 में इसको बनाया, किसको? गोल गुंबद को बनवाया। ठीक है, और इट इज़ लोकेटेड एट बीजापुर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और ये कहाँ पर है आपका? कर्नाटका में। क्या? गोल गुंबद, याद रखना गाइस। किसने बनवाया इसको? आदिल शाह ने। ठीक है, देख लीजिए, चलिए आइए आगे करते हैं। जब हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है, देखिए आमेर फोर्ट गाइस। कौन सा आपका? आमेर फोर्ट। ठीक है, लोकेटेड इन
जयपुर इन राजस्थान, ठीक है, कहाँ पर है, लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में। गाइस आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने जितने भी आपको मोनूमेंट्स कराए हैं, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हैं और जो मोनूमेंट्स हैं, हाँ गाइस, क्योंकि राजस्थान में जो थे ना, वहाँ के राजा थे, ये थे जो थे वहाँ पे आपके राजस्थान में, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्ट बनाए हैं अपने लिए, अपनी रानियों के लिए, और अपने मतलब अमीर तो होते ही थे पहले के राजा, तो वो ज़्यादातर फोर्ट बनाते थे, और जितने भी फोर्ट हैं मेनली वो मोनूमेंट साइट हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो आपकी लोकेशन मिलेगी आपको राजस्थान में, बहुत ज़्यादा आपको फोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। जब आप घूमने जाएँ राजस्थान तो बढ़िया से घूमिए, बहुत अच्छी जगह है गाइस, ठीक है ना। चलिए आइए, द बिल्डिंग वाज स्टार्टेड बाय राजा मानसिंह वन, जो बिल्डिंग बनानी स्टार्ट हुई थी आमेर फोर्ट की, वो राजा मानसिंह थे वन, उन्होंने स्टार्ट करी थी। ऑफ द कच वागा डायनेस्टी, कौन सा, कच वाजा डायनेस्टी के थे जो राजा मानसिंह, इन द ईयर 1592 में स्टार्ट करी थी, ठीक है, आमेर फोर्ट की जो बिल्डिंग बनाना, ठीक है, एंड लेटर, और उसके बाद वाज कंप्लीटेड बाय राजा जय सिंह, उसके बाद जो बिल्डिंग बनाई गई, जो मोनूमेंट तैयार हुआ, मतलब ये है ना स्ट्रक्चर इसका, राजा जय सिंह द्वारा किया गया, और एंड द फाइनल टच वर गिवन बाय सवाई जय सिंह, और जो फाइनल मतलब जो पूरा बाद में बन के कंप्लीट हुआ आमेर फोर्ट, वो किसके वजह से हुआ, सवाई जय सिंह जी ने इसको पूरा फाइनल टच दिया आमेर फोर्ट को, ठीक है गाइस, जो कि जयपुर में, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट है हमारे पास अढ़ाई दिन का जौनपुर हुआ, अढ़ाई दिन का झुंडपुआ, ये है गाइस मॉस्क इन द अजमेर सिटी, ये आपकी मस्जिद है, ठीक है, मॉडर्न मस्जिद है अजमेर सिटी ऑफ राजस्थान में, ठीक है। इट वॉज कमीशन बाई, ये जो बनाई गई थी किसके द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है गाइस, देख लीजिए। चले आइए आगे करते हैं, जब हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है, देखिए मैसूर पैलेस, ठीक है गाइस, मैसूर पैलेस जो कि कहाँ पर है, मैसूर में है, और 14th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, ठीक है, एंड रिकंस्ट्रक्ट बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन इन 1912, मतलब कि इसको फिर से जो बनाया गया है रिकंस्ट्रक्ट करके, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था हेनरी इरविन, 1912 में इसको फिर से बनाया गया मैसूर पैलेस को, ठीक है, बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के द्वारा, ठीक है, 1912 में। एंड नेक्स्ट है गाइस ताजमहल, ताजमहल गाइस जो कि सबको पता है कि 7 wonders ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, ठीक है, 7 wonders जो हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ताजमहल भी है, ठीक है ना, ठीक है गाइस, जो कि आपका आगरा में, जो कि यूपी, ठीक है, आगरा में जो यूपी में, ठीक है, और इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ, जो कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, और गाइस ये बहुत से लोगों को पता होगा कि शाहजहाँ ने जिसने भी ये ताजमहल बनाया था, जितने भी वर्कर्स थे उनके हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो फिर से ऐसा एक मतलब कि जो एक तरह से क्रिएचर है, जो कि एक तरह से मूर्त है, ये ना बना सके, ताजमहल जैसे एक और मोनूमेंट ना बन सके, इसलिए उसने जितने भी वर्कर्स थे उनके हाथ कटवा दिए थे, आपको पता ही होगा शाहजहाँ ने, ठीक है गाइस, ताजमहल जो कि यूपी में आगरा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सन टेम्पल इन कोणार्क, सन टेम्पल इन कोणार्क, ठीक है, जो कि कहाँ पर है आपका ओडिशा में, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंडस्टोन किंग नरसिंह देवा वन, जो ये है सन टेम्पल इन कोणार्क, ये कहाँ पर आपका ओडिशा में, और ये जो बनाया गया है सैंडस्टोन किंग थे जो नरसिम्हा देवा वन, उनके द्वारा बनाया गया, ठीक है, सन टेम्पल इन कोणार्क गाइस, मेन है एग्जाम में पूछा जाता है सन टेम्पल इन कोणार्क, ठीक है गाइस। चलिए आइए आगे करते हैं, तो बच्चों अब हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है, देखिए महाबलीपुरम मोनूमेंट्स, क्या है महाबलीपुरम मोनूमेंट्स, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कहाँ पे लोकेटेड है गाइस ये महाबलीपुरम मोनूमेंट, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड गोमतेश्वरा मोनोलिथ, लॉर्ड गोमतेश्वरा मोनोलिथ लोकेटेड इन कर्नाटका, कहाँ पे लोकेटेड है गाइस ये कर्नाटका में, और कंस्ट्रक्टेड इन द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी में बनाया गया था लॉर्ड गोमतेश्वरा मोनोलिथ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास नटराजा टेम्पल चिदंबरम, नटराजा टेम्पल चिदंबरम जो कि हेरियानवरम इज अ फेमस रेनोवेटर ऑफ द टेम्पल, जो कि बनाया गया था, जो फेमस बनाने के लिए थे इसके जो फेमस रेनोवेटर थे उसका नाम था हेरियानवरम, ठीक है, जिसने नटराजा टेम्पल चिदंबरम बनाया, ठीक है गाइस। तो आइए आगे करते हैं, तो बच्चों हमारे पास कौन सा मोनूमेंट है, देखिए फलकनुमा पैलेस, ठीक है गाइस, क्या है फलकनुमा पैलेस, इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, बिल्ड बाय द एमिनेंट आर्किटेक्ट नवाब बिकर उल उमरा, मतलब कि जो ये है आपका लोकेटेड है, कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में, और बनाया गया था आर्किटेक्ट जो थे नवाब बिकर उल उमरा उनके द्वारा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है हमारे पास चार मीनार, ठीक है गाइस, चार मीनार जो कि सबको पता है कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में गाइस, कहाँ पर है चार मीनार आपका, हैदराबाद में है। इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन अ ईयर ऑफ 1591, चार मीनार जो है बनाया गया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे उनके द्वारा 1591 में। इट इज़ पॉपुलर बिलीव दैट द फोर
माइनेट स्टैंड फॉर द फर्स्ट खलीफाज ऑफ इस्लाम, मतलब कि माना जाता है कि बिलीफ है जो चार मीनार है ना, जो इसके जो अंदर तख्त खड़े हुए हैं, चार माइनरेट जो खड़े हुए हैं, वो पहले जो खलीफाज थे इस्लाम के उनके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर उनको बिलोंग करता है, फर्स्ट खलीफा जो थे इस्लाम के चार मीनार, ठीक है, फोर माइनरेट स्टैंड फॉर द फर्स्ट खलीफाज ऑफ इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आपका आगरा फोर्ट गाइस, कौन सा आप हमारे पास आगरा फोर्ट, वोन द आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर इन द ईयर 2004, मतलब कि जो आगा खान अवार्ड मिला था आर्किटेक्चर को 2004 में मिला था आगरा फोर्ट के लिए, ठीक है गाइस। और सबको पता आगरा फोर्ट कहाँ पे, आगरा में ही है गाइस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, जब हमारे पास कौन सा मॉन्यूमेंट है, देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है, कौन सा गाइस, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान, ठीक है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ ओवर 700 एकर्स, ये जो है आपका राजस्थान में सिचुएटेड है और ये पूरा जो इसका एरिया कवर करता है आपका 700 एकड़ है गाइस, ठीक है, इसका चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाजा, ठीक है गाइस, ए मैसिव गेटवे सिचुएटेड इन फतेहपुर सीकरी, जो ये आपका फतेहपुर सीकरी में सिचुएटेड है, ए डेजर्टेड सिटी नियर आगरा, जो कि एक रेतीली जगह है उसके आसपास आगरा की, ठीक है। और ये कब बनाया गया था, 1573 में, 1573, ठीक है, 1573 बाया किसके द्वारा बनवाया गया है बुलंद दरवाजा, आपका अकबर द्वारा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइम हमारे पास बंगला साहिब गाइस, बंगला साहिब, ठीक है गाइस, ये कहाँ पर आपका बंगला साहिब, सबको पता है आपका है दिल्ली में, ठीक है, फाउंडेड बाय किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब कि फाउंड किया गया था, सरदार भैगल सिंह, ठीक है, सरदार भैगल सिंह के द्वारा, और आपका डेडिकेटेड टू, और किनको डेडिकेटेड है, ये गुरु हरिकृष्ण जी, ठीक है, जो कि सिख गुरु थे, ठीक है, कौन थे, गुरु हरिकृष्ण जी, उनको ये डेडिकेटेड है, सरदार भैगल सिंह द्वारा बनाया गया था, इसलिए बंगला साहिब कहते हैं इसको, ठीक है गाइस, जो कि दिल्ली में। चलिए आइए आगे करते हैं, तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा, देखिए हवा महल, ठीक है गाइस, हवा महल, ठीक है, जो कि कहाँ पर आपका गाइस, जयपुर में, ठीक है। द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह टू ऑफर कन्वीनियंस टू वुमेन टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट हैविंग टू बी सीन बाय द अदर, ठीक है, कि वो उसने क्या हुआ कि जो ये मॉन्यूमेंट है बनवाया गया है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि उन्होंने ऑफर किया था अपनी जो मतलब वाइफ थी उनको, कि ऐसा तुम्हें मॉन्यूमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा हवा महल, ठीक है, जो कि इसकी हिस्ट्री है, ठीक है गाइस। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, क्या है बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस गाइस, ये एक चर्च है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है आपकी गोवा में, ठीक है, इट इज़ अ चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस की चर्च है, और 1946 ही अचीव द स्टेटस, 1946 में इसको स्टेटस मिला, ठीक है, और ये हेरिटेज साइट बनी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है चंपनर, क्या है चंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, क्या है चंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचमहल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, कहाँ पर लोकेटेड है ये आपका, पंचमहल और गुजरात में है, जो चंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ से है आपका, गुजरात में, ठीक है गाइस। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है आपका, हमारे पास नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है राजा रानी टेम्पल, कौन सा है राजा रानी टेम्पल, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोड टेम्पल्स इन भुवनेश्वर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिनोड टेम्पल है भुवनेश्वर में, द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा में, ठीक है गाइस, जो कि ओडिशा में है भुवनेश्वर, उसकी राजधानी भी आपको पता है ओडिशा की, ठीक है, राजा रानी टेम्पल, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धोलावीरा इन कच्छ, धोलावीरा इन कच्छ, ठीक है गाइस, जो कि कहाँ पर है आपका, गुजरात में गाइस, ठीक है, गुजरात में। इन 1967 मिस्टर जे पी जोशी डिस्कवर्ड द धोलावीरा, और 1967 में जो मिस्टर जे पी जोशी हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया धोलावीरा, ठीक है, जो ये जगह है मॉन्यूमेंट आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा है, रणथंभौर फोर्ट, कौन सा है रणथंभौर फोर्ट, इसको हम सवाई माधोपुर भी कहते हैं, सवाई माधोपुर, ठीक है गाइस। फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, ठीक है, जो ये फोर्ट है जो कि कब बनाया गया, 8वीं शताब्दी में बनाया गया, ठीक है, 8वीं शताब्दी में बनाया गया रणथंभौर फोर्ट, ठीक है गाइस। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है, देखिए
मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है गाइस, कौन सा है, मीनाक्षी टेम्पल। और आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी पूछते हैं मीनाक्षी टेम्पल कौन से स्टेट में आपका। तो गाइस जो मीनाक्षी टेम्पल है वो मदुराई तमिलनाडु में, कहाँ पर है, मदुराई तमिलनाडु में। और ये मोनूमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेगाई रिवर, ये सिचुएटेड है वेगाई रिवर के पास, इन द टेम्पल सिटी ऑफ मदुराई, इन द टेम्पल सिटी ऑफ मदुराई तमिलनाडु में, ठीक है, कौन सा, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है गाइस। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर जेल, इट वॉज ऑल्सो नोन एज कालापानी। जो ये सेलुलर जेल है ये भी एक मोनूमेंट साइट है, ठीक है ना गाइज, और इसको हम बोलते हैं कालापानी। मतलब गाइज जो ये मेनली आपकी सेलुलर जेल है ना, ये रिलेटेड है आपके फ्रीडम फाइटर से। जैसे आपको पता है कि जैसे आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की नहीं, यहाँ तक कि हैंग किल की आपको सजा मिल गई थी, कि मतलब कि उनको फांसी लगेगी। लेकिन जो उनके दूसरे साथी भी थे जो कि जेल में थे, उनको ज़्यादातर कालापानी की सजा हो गई थी। 15 से 16 मेंबर्स थे उनके जो पार्टी के थे, HR के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, उन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको आपकी कालापानी की सजा हो गई थी। कालापानी की सजा होती है कि आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है, और आपको बंद करके रखते हैं एकदम जेल में। और जो ये जो जेल है आपकी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, वो ज़्यादातर जो कालापानी की सजा देते थे, तो जो भी होते थे जाते थे जो मुजरिम, वो इसी जेल में जाते थे, आपकी सेलुलर जेल। जो कि द जेल इज सिचुएटेड इन द पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो कि ये जेल है बनी हुई है पोर्ट ब्लेयर में, जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार आइलैंड में, आपकी ये जेल है, ठीक है, सेलुलर जेल। और इसको हम कालापानी जेल भी बोल देते हैं, क्योंकि कालापानी की जो ज़्यादातर पहले के टाइम में फ्रीडम फाइटर्स को सजा मिलती थी ज़्यादातर कालापानी की, वो इसी जेल में जाते थे, जो कि आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है गाइस, तो आप ध्यान रखना है बात। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पंचमहल, ठीक है गाइस, क्या कौन सा है, पंचमहल, जो कि आपका है फतेहपुर सीकरी यूपी में, ठीक है गाइस, जो कि कहाँ पर है आपका, फतेहपुर सीकरी यूपी में। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट, कौन सा है, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है गाइस, और ये फोर्ट भी कहाँ पर है गाइस, आपका राजस्थान में, ठीक है गाइस, कौन सा, कुंभलगढ़ फोर्ट। तो गाइस इसमें सेलुलर जेल आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम कालापानी भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों हमारे पर नेक्स्ट मोनूमेंट कौन सा देखिए, धामिक स्तूपा इन सारनाथ, कौन सा, धामिक स्तूपा इन सारनाथ, ठीक है, द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव अवे हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर ही गॉट इनलाइटेड इन बोध गया। मतलब कि ये वही जगह है धामिक स्तूपा इन सारनाथ में, ये वो प्लेस है जब बोध गया जी को, आपको पता है इनलाइटमेंट जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी गाइस, आपको पता है लॉर्ड बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी बोध गया में। उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट अपना जो प्रवचन या फिर जो विद्या देते हैं या ज्ञान देते हैं, जो फर्स्ट दिया था सरमन अपना, वो यहीं पर दिया था धामिक स्तूपा, जो कि सारनाथ में, ठीक है गाइस, ध्यान रखना आप ये बात। नेक्स्ट है बोलगट्टी पैलेस, कौन सा, बोलगट्टी पैलेस, सिचुएटेड इन द कोची सिटी ऑफ केरला। जो ये बोलगट्टी पैलेस है सिचुएटेड कहाँ पर है गाइज, आपका कोची में, सिटी ऑफ केरला, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है आपका सांची स्तूप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है गाइज, ये सांची स्तूप बहुत बारी पूछा गया कहाँ पर है। तो गाइज ये जो है सांची स्तूप सिचुएटेड इन सांची मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल में है गाइज, ठीक है ना, कहाँ पर है आपका, भोपाल में है गाइज ये, ठीक है, सांची स्तूप इन भोपाल, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सांची स्तूप जो कि है आपका भोपाल में या फिर इंदौर में, ये आपका भोपाल में, ये आप ध्यान रखना। एंड कमीशन बाय द एम्पीरियर अशोका द ग्रेट इन द 3rd century, और जो बनाया गया है किसके द्वारा, जो अशोका द ग्रेट राजा था ना, जो अशोका, उसके द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था 3rd century में, 3rd century में, ठीक है गाइस। और जो सांची स्तूप है वही शतक जगह है जहाँ पे जब अशोका ने बहुत ज़्यादा अपनी फाइट वॉर लड़ी थी, और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो उसके बाद जो आपको पता होगा उसने बुद्धिज़्म अपना लिया था, और बुद्धा जी ने उसको मतलब जो दी थी, उसको ज्ञान दिया था, बाद में जो शांति करवाई थी वो बुद्धिज़्म के थ्रू, वो अशोका को जो करवाई गई थी, तो उसके बाद ही शतक वही ये प्लेस है सांची स्तूप है जहाँ पे उसको ज्ञान दिया था और उनने बुद्धिज़्म अपनाया था, या फिर ये जो है उसके बाद अशोका ने बनवाया, लेकिन जो ये सांची स्तूप है वो रिलेटेड है अशोका की, जब अशोका ने बाद में संन्यास ले लेता, एक तरह से रिटायर्ड हो गया था जब अशोका, है ना, जब उसने वॉर ये सब मारकर सब बंद कर दी थी कि लड़ाई अब नहीं लड़ूंगा मैं वॉर, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोनों पक्ष के लोगों को, ठीक है गाइस। तो सांची स्तूप कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कौन सा मोनूमेंट है देखिए, जैसलमेर फोर्ट, ठीक है गाइस, कौन सा, जैसलमेर फोर्ट, और जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में गाइस, ठीक है, जैसलमेर फोर्ट जो है वो कहाँ है आपका गाइस, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन सा है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है ना, कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में, बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया, चंदेला रूलर, जो चंदेला रूलर थे उनके द्वारा बनाया गया था
खजुराहो टेम्पल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास लक्ष्मी विलास पैलेस, कौन सा लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि आपका वडोदरा में, ठीक है गाइस, कहाँ पर है वडोदरा, ठीक है गाइस। और इसमें मेन ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफी उससे मेन है, लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पर है, वडोदरा में तो है, ठीक है। लेकिन वो पूछ लेता है कि इसका भी स्टाइल बताइए, जो लक्ष्मी विलास पैलेस है इसका स्टाइल बताइए कौन सा है। तो उसका जो स्टाइल है गाइस वो कौन सा है, इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, कौन सा है, इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका, लक्ष्मी विलास पैलेस का, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सोमनाथ टेम्पल गाइस, सोमनाथ टेम्पल आपको पता ही सबको गुजरात में, ठीक है गाइस। सोमनाथ टेम्पल जो मोन्यूमेंट साइट है वो कहाँ पर है आपकी, गुजरात में, ठीक है गाइस, देख लीजिए। चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कौन सा मोनूमेंट है, देखिए जैसलमेर फोर्ट, ठीक है गाइस, कौन सा, जैसलमेर फोर्ट, और जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में गाइस, ठीक है। जैसलमेर फोर्ट जो है वो कहाँ है आपका गाइस, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन सा है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है ना, कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में, बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया, चंदेला रूलर, जो चंदेला रूलर थे उनके द्वारा बनाया गया था खजुराहो टेम्पल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास लक्ष्मी विलास पैलेस, कौन सा लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि आपका वडोदरा में, ठीक है गाइस, कहाँ पर है वडोदरा, ठीक है गाइस। और इसमें मेन ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफी उससे मेन है, लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पर है, वडोदरा में तो है, ठीक है। लेकिन वो पूछ लेता है कि इसका भी स्टाइल बताइए, जो लक्ष्मी विलास पैलेस है इसका स्टाइल बताइए कौन सा है। तो उसका जो स्टाइल है गाइस वो कौन सा है, इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, कौन सा है, इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका, लक्ष्मी विलास पैलेस का, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सोमनाथ टेम्पल गाइस, सोमनाथ टेम्पल आपको पता ही सबको गुजरात में, ठीक है गाइस। सोमनाथ टेम्पल जो मोन्यूमेंट साइट है वो कहाँ पर है आपकी, गुजरात में, ठीक है गाइस, देख लीजिए। चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों हमारे पास कौन सा नेक्स्ट मोन्यूमेंट है, देखिए अहमद शाह मॉस्क, कौन सा है, अहमद शाह मॉस्क इन अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में है, जो कि ये मस्जिद है अहमद शाह की, जो कि अहमदाबाद में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल गाइस, मैंने आपको पहले भी जो टेम्पल्स का सेशन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना, जो मेन टेम्पल था दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल, जो मैंने आपको बताया था दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन और पूछा जाता है, इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन कोलकाता, जो ये टेम्पल है लोकेटेड है कहाँ पर आपका, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर, मैंने आपको बताया था जो वहाँ पर रिवर है, जो आपको कलकत्ता में रिवर है वेस्ट बंगाल में, कौन सी है, हुगली रिवर के किनारे पर जो बना हुआ है ये मंदिर है माता का, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल मंदिर है। जब मैं कलकत्ता गया था 2016 में, तो मैं इस मंदिर में गया था, बहुत अच्छा मंदिर है गाइस, ये अगर आप जाते हैं तो ये मंदिर में होके आइए, माँ काली का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है मोनूमेंट साइट, कालका शिमला रेलवे, कौन सी है, कालका शिमला रेलवे, इट इज़ ए माउंटेन रेलवे एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गाइस, जो ये है ना आपकी कालका से शिमला तक रेलवे जो जाती है आपकी ट्रेन जाती है, कालका शिमला रेलवे जो है ये एक माउंटेन रेलवे है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया हुआ है यूनेस्को ने, ठीक है, किसको, कालका शिमला रेलवे को, बहुत अच्छी है गाइस। इसको जो ट्रेन जाती है ना कालका से शिमला, इसको कहते हैं टॉय ट्रेन, इसमें मैं गया हुआ हूँ, बहुत अच्छी ट्रेन है और आपको बहुत मज़ा आता है, पहाड़ों के बीच बीच में से रास्ता बनाया हुआ है इंडियन रेलवेज ने, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक से रेलवे बनाया हुआ है, ट्रैक बिछाए हुए हैं, और जिससे ये टॉय ट्रेन जाती है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, 30-35 किलोमीटर पर आ रही स्पीड होती है, लेकिन मज़ा आता है जाके, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कभी आप जाना चाहें शिमला तो कालका से ये ट्रेन पकड़ सकते हैं, ठीक है, शिमला जाने के लिए, ठीक है गाइस। और गाइस एक बात और थी, देखिए मैं आपके लिए इतना अच्छा सेशन ला रहा हूँ और अभी तक मैं आपके लिए इतने अच्छे सेशंस लाए भी हूँ, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है गाइस, सपोर्ट करो यार, गाइस आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ओके गाइस, चलो आओ आगे करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट मोन्यूमेंट कौन सा, देखिए तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है, कौन सा है, तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि दिल्ली में आपका, ठीक है, और इस्टेब्लिश्ड हुआ है आपका इन 1300 सेंचुरी, मतलब कि 13वीं शताब्दी में ये आपका बनाया गया था तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, कौन सा, प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, मतलब कि एक तरह से ये रॉक शेल्टर की एक तरह से जो है आपका पत्थर की एक तरह की मूर्त बनाई हुई है, जो कि एक तरह से छत है वैसे टाइप की एक, ठीक है, गुफा टाइप,
ठीक है, प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका बोलते हैं इसको, और ये इंक्लूडेड करा है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब 2003 में गाइस, कब करा है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सुंदरबंस नेशनल पार्क, और ये बहुत ज़्यादा मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार पूछा गया सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर भी है, तो ये है गाइस आपका कैलकटा में, ठीक है, और इसको भी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब सबमिट किया 1987 में इसको, ठीक है, इंक्लूड किया है आपका सुंदरबंस नेशनल पार्क में गाइस, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कौन सी मोन्यूमेंट है, देखिए विवेकानंद रॉक, कौन सा है गाइस, विवेकानंद रॉक लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द ओशन जस्ट 400 मीटर फ्रॉम कन्याकुमारी, मतलब जो ये है ना आपका विवेकानंद रॉक एक मोन्यूमेंट है आपका, जो कि नियर बाय है आपका मिड्स ऑफ द ओशन जस्ट 400 मीटर फ्रॉम कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी के 400 मीटर इधर एक ओशन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है आपका विवेकानंद रॉक, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है गाइस, ये एग्जाम में पूछा हुआ है विवेकानंद रॉक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो फ्रॉम कन्याकुमारी, ठीक है, 400 मीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी से ये विवेकानंद रॉक दूर है बस, 400 मीटर तो कुछ भी नहीं होता गाइस, ठीक है ना। चले आइए नेक्स्ट है हमारे पास नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, जो नंदा देवी है एंड वैली ऑफ फ्लावर मैंने आपको बताया था जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है गाइस, आपकी उत्तराखंड में गाइस, फूलों की जो घाटी है आपकी उत्तराखंड में है, और जो एक मैंने आपको बताई थी शांत घाटी साइलेंट वैली ऑफ इंडिया कहाँ पर है आपकी, वो केरला में, लेकिन ये कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी जो कि कहाँ पर है आपकी उत्तराखंड में, और गाइस नंदा देवी जो पर्वत है, जो नंदा देवी मंदिर है और पर्वत है वो भी कहाँ पर है आपका उत्तराखंड में ही है, और इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया नंदा देवी पीक को आपका 1998 में, और जो वैली ऑफ फ्लावर है उसको कब किया गया है आपका 2005 में किया गया था गाइस ये, ठीक है, ध्यान रखना आप। देखिए नंदा देवी जो पीक है वो तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है 1998 में, और जो आपका वैली ऑफ फ्लावर है वो आया आपका 2005 पर, दोनों ही कहाँ पर है आपकी उत्तराखंड में गाइस, ठीक है। और देखिए जो आपकी समर कैपिटल है वो जो बनाई गई है समर कैपिटल वो है आपकी उग्रसेन, जो समर कैपिटल बनी थी आपकी, और विंटर कैपिटल तो आपको पता है जो कि आपकी है देहरादून, तो ये बात भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, और ध्यान रखना कि उत्तराखंड की जो मेन अभी जो नई कैपिटल बनाई गई है समर कैपिटल वो उग्रसेन है, ठीक है। चलिए आइए और नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा मोनूमेंट, जय विलास महल, कौन सा है जय विलास महल, जो कि कहाँ पर है गाइस आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, और कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा तहजी राव, और जो ये बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था, जय विलास महल आपका महाराजा तहजी राव के द्वारा ये आपका जय विलास महल बनाया गया था, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे करते हैं, तो बच्चों अब हमारे पास कौन सा मॉन्यूमेंट है, देखिए ग्वालियर फोर्ट, कौन सा है हमारे पास ग्वालियर फोर्ट, द ग्रैंड फोर्ट ऑफ ग्वालियर इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट फेमस फॉर डिफेंसिव स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मानसिंह तोमर, मतलब कि जो ये एक तरह से है ये गार्ड फोर्ट है, मतलब कि एक तरह से सुरक्षित, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कि जैसे जो हमारी गार्ड है हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा जो गार्ड फोर्ट है ना वो ग्वालियर का, वो यही है आपका ग्वालियर फोर्ट, इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट फेमस, जो इतिहास के लिए फेमस है, जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित ढांचे के हिसाब से बनाया गया था, बहुत ज़्यादा सुरक्षित किला था ये, और जो कि बनाया गया था आपके मानसिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है, मानसिंह तोमर जी जो राजा थे उनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर का फोर्ट बनाया गया था जो कि ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास घनाघर, कौन सा है गाइस, घनाघर मोनूमेंट है, ऑल्सो नोन एज क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान, ऑल्सो इसको और एक नाम से बोला जाता है कि क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान, क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान के नाम से भी अगर पूछेंगे तो क्या बोला जाता है, घनाघर, और घनाघर को देखा जाए तो गाइस ये घंटाघर है, ठीक है ना, इसको घंटाघर कहते हैं, घंटाघर, ठीक है, घंटाघर है, और इसको हम क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, और अगर हम बोल दें कि घंटाघर का दूसरा नाम क्या था, क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान है, और क्लॉक टावर ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम बोले तो घंटाघर है, ठीक है ना गाइस, देख लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैरंगढ़ फोर्ट, कौन सा है, मैरंगढ़ फोर्ट, ठीक है गाइस, ये जो आपका फोर्ट है बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बड़ा फोर्ट है ये, जो आपका भारत का सबसे बड़ा फोर्ट जो है फिर से लार्जेस्ट जो बड़ा फोर्ट कहा जाएगा वो है मैरंगढ़ फोर्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, और सिचुएटेड 410 फीट अबव द सिटी ऑफ जोधपुर, और ये जो बना हुआ है ना आपका 410 फीट
आगे की तरफ बना हुआ जोधपुर के, ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब कि जो बना हुआ है ये आपका फोर्ट है मरंगढ़ फोर्ट, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया भी है और जो सिचुएटेड है 410 फीट अबव द सिटी ऑफ जोधपुर। ठीक है गाइस, चलिए आइए आगे करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास कौन सा नेक्स्ट मोन्यूमेंट है, देखिए कौन सा हमारे पास, लेह पैलेस लद्दाख, जो लेह पैलेस है जो कि कहाँ पर है, लद्दाख। गाइस आपको पता होगा पहले जो लद्दाख था वो एक अपना अलग स्टेट था और जम्मू कश्मीर अलग स्टेट था, पर अब आपको पता जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया और लद्दाख भी आपका यूटी बन गया। ठीक है, और जो आपका लेह पैलेस है वो कहाँ पर, आपका लद्दाख में। और लेह पैलेस वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय किंग सिंह नमग्याल एज द रॉयल रेजिडेंस। मतलब जो ये लेह पैलेस है जिसके द्वारा बनाया गया है, जो लेह पैलेस है बनवाया गया है 17वीं सेंचुरी में बना था, 17वीं सदी में ये बना था लेह पैलेस आपका। और किसके द्वारा बनाया गया था, जो वहाँ के किंग थे उस समय सिंह नमग्याल, उनके द्वारा बनाया गया था, जो जहाँ पे उनका शाही परिवार रहता था और शाही परिवार से वो बिलोंग करते थे सिंह नमग्याल, जो वहाँ के राजा थे रॉयल रेजिडेंस। ठीक है, सिंह नमग्याल जो वहाँ के रॉयल रेजिडेंस थे, जिन्होंने लेह पैलेस बनवाया था 17वीं शताब्दी में। गाइस आप याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल। गाइस ये तो सबको पता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, ये आपका कैलकटा में है। गाइस कहाँ पर है आपका, कैलकटा में है। ठीक है, क्या विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, और होल द विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल होल द विक्टोरिया। ठीक है गाइस, और इसको जो बनाया गया है आर्किटेक्ट जो थे उनका नाम था सर विलियम एमर्सन। क्या था, सर विलियम एमर्सन, जिनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था, किसको, विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कैलकटा में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है हमारे पास पुराना किला। गाइस सबको पता पुराना किला जो है वो कहाँ पर, आपका दिल्ली में, जो पुराना किला है वो कहाँ पर, आपका दिल्ली में, जो कि जो पांडव थे, आपको पता होगा जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी पांडव और कौरवों के बीच, जो कौरव थे वैसे तो 100 थे लेकिन एक उनका भाई और था, तो 101 कौरव थे और 5 पांडव थे। ठीक है, और जो 5 पांडव थे वैसे तो जो कर्ण है वो भी पांडव ही था, ठीक है, लेकिन वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और पांडवों को नहीं पता था कि जो कर्ण है वो उनका भाई है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा जो पांडव था वो कर्ण ही था। वैसे तो 6 पांडव थे लेकिन जो मेनली है वो 5 पांडव है, ठीक है, जो भी किलाते हैं 5 पांडव, उन्होंने ये पुराना किला बनवाया था। ठीक है गाइस, जो पुराना किला की नींव रखी थी और जो पुराना किला बनाया था दिल्ली में वो पांडवों द्वारा बनाया गया था और दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आज से 5 साल पहले, जो कि 5000 साल पहले, ठीक है गाइस, जो आज से 5000 साल पहले जो पांडव थे उन्होंने इसको बनाया था, पुराना किला की जो नींव रखी थी और बनाया था दिल्ली में। ठीक है गाइस, चले आइए नेक्स्ट है नालंदा बिहार। ठीक है, जो नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी होगी गाइस, और ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और जो नालंदा है ना ये कहाँ पर है आपकी, बिहार में गाइस, और ये ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है गाइस, मतलब सबसे पुरानी और सबसे रिस्पेक्टिव जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी बिहार में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है गाइस, तो आप ध्यान रखना नालंदा जो कि बिहार में, और नालंदा यूनिवर्सिटी भी है और ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है इन द वर्ल्ड। ठीक है गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चा अब हमारे पास कौन सी नेक्स्ट मोन्यूमेंट है, देखिए ए होल बदमी पत्थर डकल, क्या है, ए होल बदमी पत्थर डकल। ठीक है गाइस, इज अ विलेज हैविंग ए हिस्टोरिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका। मतलब गाइस एक ये मंदिर है ए होल बदमी पत्ता डकल, नाम से थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा, ए होल बदमी पत्ता डकल करके। ठीक है, और ये इज अ विलेज हैविंग ए हिस्टोरिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका, ये एक इतिहास, एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है कर्नाटका में। ठीक है गाइस, देख लीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास विक्ट्री वॉर मेमोरियल। गाइस जो विक्ट्री वॉर मेमोरियल है, ठीक है, क्या है, विक्ट्री वॉर मेमोरियल, जो कि कहाँ पर आपका गाइस, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सलीम सिंह की हवेली, क्या है, सलीम सिंह की हवेली, जो कि कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत अच्छी साइड है और बहुत अच्छी, बहुत वंडरफुल हवेली है गाइस ये, जो कि हमें जैसलमेर में देखने को मिलती है, और कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है गाइस, कौन सी, सलीम सिंह की हवेली। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, पूछी जा सकती है कहाँ पर है आपकी, जैसलमेर में। ठीक है गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट टाइम हमारे पास राम सेतु। गाइस क्या है गाइस, राम सेतु, जो गाइस राम सेतु ये, जब आपको पता है कि सीता माता का हरण कर लिया था रावण ने, तो फिर राम जी को पता चल गया था हनुमान जी के द्वारा कि रावण अपनी लंका में अपने यान में बिठा के सीता जी को ले गया हरण करके, तो जब राम जी नदी किनारे पहुँचे, मतलब जो बहुत बड़ी रिवर थी वहाँ पे, जो आपकी नदी थी, अब उसको पार करना था और इतनी बड़ी विशाल सेना थी, तो राम जी ने कहा कि ये कैसे होगा, तो ये पॉसिबल नहीं था, तो राम जी ने यज्ञ करा, भगवान से प्रार्थना करी, पर कोई भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर जब उन्होंने बांध चलाना की कोशिश करी कि मैं सारे पानी को अपने बांध से एकदम सुखा दूंगा, तो जब फिर जो थे आपके जल देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा था नहीं प्रभु ऐसे मत करो कि जो भी जल जीव हैं
मतलब पानी में, वो उससे क्या होगा आपके बांध से, जब बांध से पानी सूख जाएगा तो वो जीवित नहीं रहेंगे और जितने भी प्राणी हैं वो जल जीव हैं जो नदी के, वो सब मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा क्या करूँ, तो उन्होंने कहा था अपने बांध को आप पर्वत पर चलाइए और जो उससे पत्थर गिरेंगे और आपके पास नल नील जो है आपकी सेना में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो आपके लिए सेतु बनाएंगे, जिसे राम सेतु नाम दिया गया था गाइस उस समय। और ये रियलिटी है गाइस, ये राम सेतु अभी भी प्रेजेंट है आप में, है ना। और ये राम सेतु बनाया था राम जी ने और जिसके द्वारा उनकी पूरी सेना लंका गई और फिर तो आपको पता है कि रावण का अंत हो गया था और सीता माता जी को वो ले आया था अयोध्या, है ना गाइस। तो जो वो राम सेतु बनाया था उस समय, और गाइस ये सच में ऐसा है राम सेतु। और जो मेरे को, मैं जब छोटा था तो चांदनी चौक में एक मंदिर था, वहाँ पे जो राम सेतु का पत्थर था ना जिस पे राम लिखा गया था, जो हनुमान जी लिख रहे थे और जो भी राम जी की सेना में लिख रहे थे, है ना, लोग जो राम लिख रहे थे राम नाम के पत्थर से, वो जो पत्थर था डूबा नहीं, वो पानी में तैरने लग गया जिससे कि राम सेतु बन गया, ठीक है। तो जब वो पत्थर था वो चांदनी चौक के मंदिर में आया था, मैंने देखा था उसको एक बकेट में, बाउल में, बड़े से बाउल में पानी में रखा हुआ था और वो तैर रहा था वो पत्थर पानी में। जब मैंने उसको इससे नीचे करा तो फिर ऊपर हवा में आ जाए, जब मैंने उसको नीचे करा था वो ऊपर आ जाए। आपको पता कोई भी भारी चीज़ पानी में जो होती है वो डूब जाती है, लेकिन वो पत्थर तैर रहा था, इसका मतलब शक्ति है भाई, ऐसे मानना है और मानना ही चाहिए कि जो शक्ति थी उस समय राम जी के, उससे राम नाम से वो जो पत्थर था वो तैरने लग गया था और राम सेतु बना था, ठीक है भाई। तो उससे रिलेटेड है राम सेतु। और देखिए क्या कह रहे हैं, इज़ अ नेशनल मोनूमेंट एंड द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। ये जो है आपका राष्ट्रीय मोनूमेंट है और एक सिंबल है आपके नेशनल यूनिटी का भी, ठीक है, एक पहचान है आपकी। और जो ये ब्रिज है, कनेक्शन ब्रिज, कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो ये ब्रिज है, जो ये राम सेतु ब्रिज है जो आपका, ये जोड़ता किसको, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है, ठीक है गाइस। तो याद रखिए आप राम सेतु, ठीक है गाइस, देख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, आइए। तो बच्चा अब हमारे पास कौन सी मेन मोनूमेंट से, देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी है गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क। गाइस मैंने आपको पहले बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, मेनली कहाँ पर है गाइस, ये आपका असम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, फेमस फॉर एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है गाइस। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, वन सिंग वाले राइनोसोरस के लिए फेमस है। वैसे तो एक सिंग वाला गैंडा जो आपका है वो सुंदरबंस नेशनल पार्क में भी मिलता है कलकत्ता में, लेकिन जो मेनली फेमस है असम में है वो काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है आपके, एक सिंग वाला गैंडा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, राइनोसोरस। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया 1985 में, इन द हार्ट ऑफ असम, कहाँ पे, उनके दिल में असम, ठीक है, कहाँ पर है आपका, इन द हार्ट ऑफ असम में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है थिरुमलाई नायक्कर महा, क्या है, थिरुमलाई नायक्कर महा, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुराई, कहाँ पर है आपका लोकेटेड, सिटी ऑफ मदुराई जो कि तमिलनाडु में गाइस, कहाँ पर, ठीक है, थिरुमलाई नायक्कर महा लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुराई तमिलनाडु, ठीक है लास्ट गाइस। चलिए अब हमारे पास है लास्ट विवेकानंद लेलम, ठीक है, क्या है, विवेकानंद लेलम, ठीक है। तो गाइस ये क्या है आपका, विवेकानंद हाउस है, ये विवेकानंद जी यहाँ पे रहते थे, विवेकानंद जी का हाउस है ये गाइस, ठीक है, क्या है, विवेकानंद हाउस इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन चेन्नई, ये आपका जो है आपका चेन्नई में है, इम्पोर्टेंट है और एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द रामाकृष्ण मूवमेंट इन साउथ इंडिया। और जो रामाकृष्ण जी थे ना वो विवेकानंद जी के गुरु थे, विवेकानंद जी इनको अपना आइडल मानते थे रामाकृष्ण जी को, है ना, उनके लिए भी ये वाली जो प्लेस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूवमेंट से साउथ इंडिया में, वो भी यहाँ पे आके रहते थे विवेकानंद जी के साथ, ठीक है, कौन सा, विवेकानंद एलम। तो गाइस ये हो गया आपका 70 विवेकानंद एलम, ये मेन आपका मोनूमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है, और ये विवेकानंद जी का हाउस होता था और जो विवेकानंद जी ने आइडल मानते थे रामकृष्ण हंस जो है गुरु जी थे उनके, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि अन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द रामकृष्ण मूवमेंट इन साउथ इंडिया, जब वो आते थे तो वो विवेकानंद जी के साथ इसी घर में रुकते थे, उनके साथ रहते थे विवेकानंद जी के साथ। तो क्या है, विवेकानंद एलम, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस आपका इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स का सेशन ख़त्म होता है, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स आपसे एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं गाइस, मैंने सारे आपको यहाँ पे करा दिए, ट्रस्ट में गाइस इससे बाहर आपके कोई भी मोनूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जो मैंने आपको कराया है ये आज का सेशन, की प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से मेरी वीडियोस को देखिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको आज सेशन कराया, ठीक है गाइस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ठीक है। और गाइस जिसने मेरे लास्ट सेशन नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। मेरे सेशन को अच्छे से देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ठीक है, ओके गाइस, बाय।